नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर्स ऑडिटर पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आप सब ने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हेलो सर। हेलो सुबी सर, मैंने आपका एक एनर्जी ऑडिट पे वीडियो देखा था और मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 7th semester में हूँ और मेरे को अपना जो करियर है वो एनर्जी की फील्ड में बनाना है, तो क्या आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा गाइड कर देंगे रिगार्डिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंटर्नशिप होता क्या है। ठीक है, जब स्टूडेंट ट्रेनी के रूप में किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले कंपनी उनको कुछ फैसिलिटी देती है या पे करती है, या बहुत बार ऐसा होता है कुछ कंपनियां जो है कोई फैसिलिटी नहीं देती ना कुछ पे करती है, आपको अपने खर्च पे जाना है, आपको अपने खर्च पे सीखना है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी पेड करती है उसको हम पेड इंटर्नशिप कहते हैं, जो कंपनी पेड नहीं करती है उसे अनपेड इंटर्नशिप कहते हैं। देखो, इंटर्नशिप कोई सा भी हो, पेड या अनपेड, बेनिफिट्स हमको मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है? देखो, हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी में काम करते हुए जो वहाँ का सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ठीक है, उनके अंदर हमको काम करने का मौका मिलता है। एज अ फ्रेशर रहते हैं हम उस टाइम, तो हमें उनके स्किल, उनके एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिलता है, और इसका फायदा हमें ये मिलता है कि हम कम टाइम में काफ़ी कुछ सीख लेते हैं अपने सुपरवाइजर के द्वारा, अपने मैनेजर के द्वारा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी लंबे समय का होता है, 5 साल 10 साल, कहीं कहीं 15 साल भी होता है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और उसका फायदा हमें कब मिलता है? प्लेसमेंट के टाइम, 4th ईयर में, या आप अगर एमटेक कर रहे हो तो आपको 2nd ईयर में, तो बेनिफिट तो हमें मिलता है इंटर्नशिप का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें करना क्या है? देखिए, जब हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी अच्छा रखना रहता है। उससे बेनिफिट क्या है, कंपनी जो है आपको PPO ऑफर करती है, PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर, ये जो है 10 times बेटर होता है आपके प्लेसमेंट ऑफर से, जो कि जो कंपनी जो आपके कॉलेज में जो आती है कैंपस के लिए उससे बेटर होता है। ये इसलिए बेटर होता है क्योंकि जो आप इंटर्नशिप के बाद आपको जो ऑफर मिलता है PPO, वो आपके आपके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है, आपने जो अच्छा बेटर परफॉर्म किया है इंटर्नशिप के दौरान उसके आधार पर आपको मिलता है। इसमें सिर्फ आपको 1 round का इंटरव्यू होता है, उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन कि प्लेसमेंट के टाइम आपका ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 3 से 4 round इंटरव्यू होते हैं, रिटर्न होता है, उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब दी जाती है, ऑफर किया जाता है। लेकिन इंटर्नशिप में आपके आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको वहाँ पे जॉब के लिए रखा जाता है। ठीक है, और अगर आप उस कंपनी में PPO मिलने के बाद भी वहाँ पे जॉब करना नहीं चाहते हैं तो आप वहाँ से अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस सर्टिफिकेट का काफ़ी अच्छा वेटेज मिलेगा आपके जॉब के टाइम में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप, ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है जॉब के लिए। तो हमें इंटर्नशिप के लिए कहीं भी जाए, हम कहीं भी जाते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, मेरा तो यही कहना है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप इंटर्नशिप को अपना कंप्लीट करें। तो मैं अब आपको बता दूं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि सुबी आपने पहले बोला मुझे कि एनर्जी के फील्ड में मुझे करियर बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको बेस्ट एनर्जी जो कंपनियाँ हैं उसको सर्च करना है। ठीक है, लाइक फिक्की, CII, उसके अलावा डिलोइटी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप इसको की जो लिस्ट है, एनर्जी सर्विस कंपनी है, उसको ओपन करें। वहाँ पे क्या, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का रेटिंग रहता है, तो आप वहाँ से जो फर्स्ट ग्रेड का रेटिंग है, वहाँ से जो कंपनियाँ हैं वो कंपनियों का नाम का एक लिस्ट तैयार कर ले। उसके अलावा इंडिविजुअल कंपनी के साइट पे जाके आप कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएं, उसके साइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक करियर का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप ओपन करोगे तो वहाँ पे HR का ईमेल ID आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप ईमेल ID ले लो वहाँ से, नंबर ले लो, उसके बाद आप एक एक्सेल तैयार करो। ठीक है, एक्सेल में क्या करो कि आपका जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किस कंपनी में जाना चाहते हो, फर्स्ट में वहाँ का नंबर, नाम,
डालते चलो, ईमेल आईडी डालते चलो, ठीक है। ऐसे 5 आप कंपनियां चूज कर लो। उसके बाद आप एक अच्छा सा रिज्यूमे को तैयार कर ले। रिज्यूमे तैयार करने के बाद आपने जो कंपनी का लिस्ट बनाया था कि आपको किस कंपनी में अप्लाई करना है, उस लिस्ट को ले और अपने HOD ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो, और उसके अलावा आपके जो प्रिंसिपल है उनसे कंसल्ट करें। उसके बाद आप अपने कॉलेज से एक लेटर तैयार करवा लें, ठीक है। लेटर जो तैयार करवाना है कॉलेज के लेटर हेड पे तैयार करवाना है, उसका फॉर्मेट मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्कूल ऑफ एनर्जी, जैसे कि ये मेरा कॉलेज का नाम था तो यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर, ठीक है, कौन सा रेफरेंस नंबर आप डाल रहे हो। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंपनी, टू द जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आप, वो कंपनी का यहाँ मेंशन करना है, उसके एड्रेस भी मेंशन करना है। नीचे आप किस पर्पज से कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसका ड्यूरेशन क्या है, आप कौन से सेमेस्टर में हो, आप किस कॉलेज में हो, ठीक है, वो सारे इसमें मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ नीचे अपने प्रिंसिपल से या HOD से साइन कराकर इसको आप रिज्यूमे के साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट से सेंड कर दो उस कंपनी के एड्रेस पे। उसके बाद आप एक मेल ड्राफ्ट करें, ठीक है, कि क्यों आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी में। मेल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेल जब ड्राफ्ट हो जाए तो उसमें जो आपका जो कवर लेटर है जो आपने स्कैन किया है PDF को, उसके साथ रिज्यूमे को भी अटैच करें, उसको भी PDF में कन्वर्ट करने के बाद ही अटैच करना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आप उसमें डालें, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद आप उसे सेंड कर दें। internshala.com पे भी आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे जो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में वर्क करते हैं, तो आप internshala.com पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस मैंने बताया है अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप के लिए, ये एनर्जी इंजीनियर के लिए ही नहीं, आप किसी और फील्ड के लिए भी इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपके पास भी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं yoursauditor@yahoo.com पे, या आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।